ये देख लो किस तरह से लीकेज है भाई, कितना बड़ा लीकेज है। तो इस लीकेज का कारण है ना कि यहाँ पे जिस बंदा ने पहले क्या किया, पहले भी यहाँ पे लीकेज था, बेंड पे लीकेज था, लेकिन इस लीकेज को क्या किया गया कि इस पाइप को चेंज नहीं किया गया। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आपका भाई एक छोटा सा वीडियो लेकर आ गया है जो कि ब्लू स्टार एसी का है। इसमें लीकेज का प्रॉब्लम है और लीकेज ऐसा जगह है ना, और वो भी ये लीकेज किसी और का वजह से नहीं, जो टेक्नीशियन ने पहले काम किया उसका वजह से ये लीकेज हुआ है। तो इन लीकेज ये सब काम इस तरह का काम करने से क्या होता है, वो लीकेज बाद में आ जाएगा। तो हम बताएंगे आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको बताएंगे, शायद आपके लिए ये चीज़ काम में आ जाए। तो अभी तक आपने चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को घंटे दबा दो। तो आपको दिखाता हूँ ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है, तो 410 गैस के साथ ये भी आता है। और इससे पहले वाला वीडियो मेरा एलजी का नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप देख लेना। तो देख लो ये अपना एलजी ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है, देख सकते हो यहाँ पे सर्किट वगैरह है और यहाँ पे हमने कवर खोल रखा है, हमने नाइट्रोजन भी लेकर आया हुआ है। और यहाँ पे देख लो इस मशीन में ना क्या है, यहाँ पे लीकेज है, ये देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लीकेज है। आपको दिखाता हूँ, पहले सर्फ पानी ला, सर्फ पानी देखो यहाँ पे मैंने सर्फ लिया और ये पानी डाला इधर, ये देखो आपको दिख रहा है, थोड़ा कपड़ा दे, कपड़ा दे, ये देखो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे है, थोड़ा सा पानी डाल मेरे हाथ पे, ये देख लो किस तरह से लीकेज है भाई, कितना बड़ा लीकेज है। तो इस लीकेज का कारण है ना कि यहाँ पे जिस बंदा ने पहले क्या किया, पहले भी यहाँ पे लीकेज था, बेंड पे लीकेज था, लेकिन इस लीकेज को क्या किया गया कि इस पाइप को चेंज नहीं किया गया, इसको सेम पाइप को मतलब इसी को वेल्डिंग कर दिया गया, फिर से बाद में लीकेज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कट करेंगे, दूसरा पाइप को ज्वाइन करेंगे और इनर को भी हमने, तो हमें ये जब ये मशीन रीइंस्टॉल के लिए हमारे पास कंप्लेन आया, तो जिस जगह से हमने खोला ना वहाँ पे देखा कि गैस है ही नहीं, और जो बंदा है वो बोल रहा था कि गैस है, उसको होल्ड होल्ड करके निकालना है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो उसमें गैस था ही नहीं। तो मैंने सोचा गैस किया कहाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले नाइट्रोजन डालेंगे फिर जाके आगे काम करेंगे प्रॉपर चेक करने के बाद, नहीं तो मालूम चले 4 दिन बाद में मुझे फिर से बुलाया जाए अगर इसमें मैं गैस डाल देता से ना। 1 दिन भी गैस नहीं चलता जिस तरह से लीकेज है, ये देख रहे हो ना, 1 दिन भी गैस नहीं चलता। तो इसलिए ऐसा कंप्लेन आपके पास आता है तो आप भी ठीक से चेक करने के बाद ही गैस डालो यार, क्योंकि गैस का पैसा आपका पॉकेट से जा रहा है और कस्टमर आपको महीना 2-3 महीना के अंदर अगर सेम कंप्लेन आ जाता है तो आपको पैसा देगा नहीं। चलो रीइंस्टॉल था तो इसमें मैं डाल भी देता, अगर मैं डायरेक्ट लगा भी देता तो भी कस्टमर को ही पैसा पे करना पड़ता, लेकिन हमने चेक कर लिया तो आप भी चेक करके लगाओ क्योंकि कस्टमर का पैसा भी तो पैसा ही है। मतलब इंडोर को भी हमने खोल रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आउटडोर को चेक कर रखा है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने वो दे रखा है, प्रेशर दे रखा है पूरा, देख लो पूरा पार्ट पार्ट खोल रखा है, पाइप वगैरह सबको, तो पूरा प्रॉपर से मैंने चेक किया हुआ है इस चीज़ को। तो चलो अभी चेंज करते हैं पहले इसे, तो अभी हम इसको पहले खोल लेते हैं। हमने इसको निकाल दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे 3/8 का पाइप है, इस पाइप को हम बेंड करके ज्वाइंट देंगे। चलो यहाँ पे अभी हम बेंड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, एक बेंड जो कि 3/8 पाइप का है और उसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इसको मैंने काट के हटा दिया, देख लो यहाँ पे ये माल को ही पूरा मैंने हटा दिया, अगर इसको वेल्डिंग कर देंगे ना फिर से लीकेज हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नया एक बेंड दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेल्डिंग कर दिया हुआ है पूरा, देख सकते हो आप, पाइप को हमने दूसरा ही लगा दिया, दूसरा पाइप को चेंज कर दिया। अब हम लोग इसको फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करके फिर से हम लोग नाइट्रोजन देंगे, नाइट्रोजन देने के बाद में फिर हम लोग चेक करेंगे अच्छा खासा प्रेशर देने के बाद में। इंडोर को भी हमने पार्ट पार्ट खोल रखा था, देख सकते हो यहाँ पे सारे चीज़ को, तो अभी हम इसको भी फिटिंग कर लेंगे। और वहाँ पे देख सकते हो आउटडोर का फिटिंग हो रहा है, तो अभी इसको बढ़िया से फिटिंग वगैरह कर लेते हैं। अभी तक आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को घंटे की दबा दो, क्योंकि मेरे चैनल पे इस प्रकार का वीडियो आता ही रहता है। देख लो भाई यहाँ पे हमने लोगों ने भैकम पूरा एक सवा घंटा मैंने भैकम किया है इस मशीन को, और क्योंकि लीकेज का प्रॉब्लम था जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद में हमने अभी गैस दिया है और मशीन को ऑन कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे मशीन अपना चल रहा है। तो अगर लीकेज का प्रॉब्लम रहता है तो आप भैकम मशीन से 1.5 घंटा कम से कम 45 मिनट के आसपास भैकम करने के बाद में आप गैस वगैरह डालो,
मेरे हिसाब से बाकी आप देख लेना, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी, कम तो नहीं करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, लेकिन मेरे हिसाब से कम 45 मिनट होना चाहिए। और कभी भी लीकेज का इश्यू आता है तो भैकम बढ़िया से करें ताकि मशीन परफेक्ट चले, जो भी अंदर का गंदगी है जो भी है वो सब क्लियर हो जाए और मशीन के अंदर जो भी हवा वगैरह है वो सब हट जाए। तो काफ़ी बेहतरीन अभी चल रहा है, इसको अभी पूरा फुल गैस दे देंगे। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को घंटी दबा देना, क्योंकि मैं छोटा मोटा वीडियो आता ही रहता हूँ आपके लिए। तो चलो मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, किसी और नए जगह के साथ और किसी और नए एसी का कंप्लेंट के साथ।